तो दोस्तों मैं आज जा रहा हूँ एयर स्ट्रिप, जहाँ पर एरोप्लेन्स हैं प्राइवेट IIT कानपुर के। तो ये मैं हॉल टू से निकल करके जा रहा हूँ सीधे। तो ये हॉल वन, हॉल टू, हॉल थ्री, हॉल फोर इसी रोड पर पड़ते हैं, और सीधे चले जाओ तो ये एयर स्ट्रिप के लिए जाता है। तो मैं देखो सामने वो गेट दिख रहा है ना, जो वहाँ से एंटर करूँगा। ये लेफ्ट साइड नहीं लेना, ये बाहर के लिए रास्ता जाता है आउट ऑफ IIT के, तो बाउंड्री को क्रॉस करता है ये लेफ्ट वाला। तो सीधे चलता हूँ मैं, अभी अंदर जाता हूँ। तो ये एकेडमिक एरिया ही है, गेट नंबर फोर। ठीक है, तो ये गेट नंबर फोर का, एकेडमिक एरिया का गेट नंबर फोर है। तो मुझे सीधे ही जाना है, कहीं भी लेफ्ट राइट नहीं लेना है, अदरवाइज़ मैं कहाँ घुस जाऊँगा एकेडमिक एरिया पर, जो लैब्स एब्स हैं। देखो ये साइड में मेरे लेफ्ट में, ये राइट में जो मैं दिख रहा है वो सब एकेडमिक एरिया ही है। तो ये अभी हम पहुँचते हैं, धीरे धीरे जाते हुए हैं, जा रहे हैं। देखो तुम योग यार, व्यू देखो, बस देखते जाओ। यहाँ देखो कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, कुछ रिसर्च पर्पज़ के लिए कुछ। ये देखो एक बिल्डिंग है, वीडियो रोक करके देख लेना इसका नाम क्या है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो को कर रहा हूँ, स्पीड में है थोड़ा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। और ये देखो सामने, मैं बता रहा हूँ कि ये जो गेट दिख रहा है सामने, वो एयर स्ट्रिप ही जाता है। देखो ये कोई बिल्डिंग बनी हुई है, नई बनी हुई है या अभी जस्ट तैयार हुई है, क्योंकि कुछ जब मैं कैंपस आया हुआ था तब ये तैयार नहीं हुई थी, चल रहा था वर्क। और ये देखो ये भी एक नई बन रही है। तो ये एकेडमिक एरिया है राइट साइड में, ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, हमें यहाँ इसके बाद मिलेगा NCC कैंप है, जो NCC नेशनल कैडेट कोर का। ये देखो ये आ गया, लेफ्ट साइड में ऑफिस है मेरे NCC का, ये देखो। तो यहाँ आना कभी, ये मैं थोड़ा रुक गया था फ़ोटो लेने के लिए। आगे तुम्हें एक टैंक भी देखने को मिलेगा, जो डमी है होती है टैंक की, वो ये रही देखो लेफ्ट साइड में टैंक का डमी। तो यार यहाँ गार्ड रहते हैं, बट आज होगा कहीं पर, मैं निकल गया हूँ। ये जो कार जा रही है, ये IIT के अंदर से ही रोड गुजरा हुआ है, बट ये आउटसाइड जाने के लिए होता है। ठीक है, तो तुम थोड़ा आगे चलने, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, थोड़ा बहुत आगे जाने के बाद गार्ड मिलेंगे तुम्हें दोनों साइड, मैं जिस साइड जा रहा हूँ और मेरे पीछे जिस साइड है। तो यहाँ पर क्या है कि राइट साइड में मेरे पूरा एकेडमिक एरिया है, काफ़ी रिसर्च के लिए चीज़ें बन रही हैं, ये नए डिपार्टमेंट्स बने हैं कुछ, ये जो मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा रुका था जूमिंग करने के लिए। तो ये देखो तुम, नाम पढ़ लेना जो भी है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आगे चलते हैं। अब बस बस थोड़ी ही दूर रह गया है एयर स्ट्रिप। वैसे मैं एयर स्ट्रिप के अंदर नहीं जाऊंगा, गेट तक जाऊंगा। एयर स्ट्रिप का पूरा वीडियो कवर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने उसको अलग सेपरेट वीडियो में रखा है, उसको भी देख लेना। ये देखो ये कॉग्निटिव साइंस का डिपार्टमेंट है, जो 2020 और 2021 में ही बनाया गया है, मतलब चालू हुआ है, जल्दी हुआ था। अभी जो डायरेक्टर थे उन्होंने ऐसा स्पीच दिया था। ये देखो ये आ गई है फ्लाइट लेबोरेटरी। तो एरोस्पेस वाले जो भी होते हैं यहाँ पर, मैं बस यहीं तक आया था। वहाँ से वापस आने के बाद जो नई बिल्डिंग में दिख रही थी वो ये है, उसका नाम मैंने दिखा दिया, यही है। ये देखो नाम पढ़ लेना तुम लोग क्या लिखा है, टेक्नो पार्क एट द रेट IIT के राष्ट्रीय एरोसोल सुविधा। ठीक है, तो ये अभी नई बिल्डिंग तैयार हुई है, यहाँ पर भी बच्चों के लिए ही है ये सब एकेडमिक का। यहाँ पर IIT कानपुर में बहुत से रिसर्च वाला काम होता है, तो अभी एक वीडियो और डालूंगा मैं, उसमें दिखाऊंगा तुम्हें कि कितनी रिसर्च वाली चीज़ें होती हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए IIT कानपुर बहुत फेमस है। ओके, तो गाइस तो दोस्तों वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पर, बाय बाय।